नमस्कार दोस्तों, क्रेजी फॉर क्रिएटर्स में आपका स्वागत है। आज हम कुछ एक फनी एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं डॉग्स के साथ में। नॉर्मली हम लोग कांच के सामने खड़े होकर के अपने बाल वाल संवारते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन आज ये एक्सपेरिमेंट हम लोग डॉग्स के साथ में करने जा रहे हैं और चारों तरफ कांच लगा करके डॉग्स को अंदर डाल करके उनका रिएक्शन देखना चाहते हैं कि वो क्या रिएक्शन करते हैं, क्या उनकी एक्टिविटी अच्छी होती है या वो कंफ्यूज होते हैं, क्या वो अपने आप में कॉन्फिडेंस करते हैं। आज उस चीज को हम लोग एक्सपेरिमेंट के थ्रू चेक करेंगे। गाइस, मैं आपको हमारा सेटअप दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम लोग इस कांच को रखेंगे और क्या करेंगे वो एक्सपेरिमेंट, प्लस क्या वो एक्टिविटी होगी उस बारे। चलिए आप मेरे सेटअप की तरफ आइए। इस तरीके से ये सेटअप बनेगा मेरा कम्प्लीटली तौर पर। थोड़ा सा और इसमें मैनेजमेंट डालना है बस, कि प्रॉपर तरीके से ये थोड़ा सा अच्छा दिखे, फिर उसके बाद में हम लोग डॉग्स को इसको इन्वॉल्व करेंगे। गाइस, ये पूरा सेटअप तैयार करके हम लोग फिर ऑफिस में मिलते हैं आपसे। जब तक आप हमारा ये सेटअप देखिए कि किस तरीके से ये तैयार होता है। और अगर वीडियो के अंदर पूरे बने रहिएगा, स्किप मत करिएगा, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जहाँ तक हो सके वहाँ पर शेयर करिए। कैसा लग रहा है अंदर? अच्छा। कितना? बहुत अच्छा। ये देखिए चारों तरफ कांच, हर जगह से पैक। कैसा लगा गाइस? अपन क्या करें अभी, बोलो कि लाइक करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। ओह वेरी गुड। सो गाइस, अब हमने हमारा पूरा सेटअप तैयार कर लिया है जैसा कि आपने वीडियो में देखा है, और हम एक एक करके डॉग्स को ला करके इसके अंदर छोड़ेंगे और उनका रिएक्शन देखते हैं कि क्या वो क्या प्रतिक्रिया करते हैं अपनी। तो गाइस, अब हम हमारा माइकल लेके आ चुके हैं और अब इसको हम इसके अंदर डाल करके और देखते हैं कि ये क्या एक्टिविटी करता है अंदर की तरफ। गाइस, यहाँ पर ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो चुका है कि क्या करूं क्या ना करूं। इसके भाई, इसके बहुत सारे इसको अंदर की तरफ नजर आ रहे हैं जो हूबहू इसकी तरह लग रहे हैं। देखिए गाइस, माइकल 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 कंफ्यूज हो चुका है, इसको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं क्या ना करूं। बहुत सारे माइकल दिख रहे हैं इसको, इसके ये भी कंफ्यूज हो चुका है कि मेरे जैसे सेम टू सेम बहुत सारे कहां से आ गए। गाइस, अब हमारा पिस्टल भी आ चुका है, अब देखते हैं कि ये क्या करता है अंदर की तरफ, इसकी एक्टिविटी भी हम देख लेते हैं। अभी तो थोड़ा सा मुझको लगता है कि थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है ये मेरे पास में भी, लेकिन देखते हैं अंदर डाल करके। चलिए अंदर डालते हैं इसको भी। सो गाइस, अब पिस्टल अंदर डाल दिया है हमने पिस्टल को, अभी पिस्टल को देखते हैं कि क्या कर रहा है पिस्टल। पिस्टल तो बहुत ही ज्यादा मजे कर रहा है अंदर की तरफ। माइकल अभी भी कंफ्यूज है और पिस्टल अभी भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। पिस्टल को समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं क्या ना करूं, क्योंकि पिस्टल इतना एंजॉय कर रहा है यहाँ पर कि उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा।
और पिस्टल हमारा बिल्कुल एंजॉय कर रहा है, यहाँ पर बिल्कुल एक्साइटेड है। और पिस्टल को देखो आप, तो क्या लग रहा है कि कोई नई दुनिया में आ गया। बहुत मजा आ रहा है पिस्टल को। पिस्टल के आते ही माइकल भी थोड़ा एक्टिव हो गया है। पिस्टल के आते हैं माइकल भी थोड़ा एक्टिव हो गया। अब इसको घुमा के थोड़ा लेंगे हम। गाइस, हम लोग हमारी रोजी को भी अब अंदर डालने जा रहे हैं। देखते हैं कि ये क्या एक्टिविटी करती है, ये भी कंफ्यूज होती है या नहीं होती है, तो देखते हैं। अब गाइस, हमने रोजी को भी अंदर डाल दिया है। अब देखते हैं कि रोजी जो है कंफ्यूज है, लेकिन पिस्टल हमारा सबसे ज्यादा एंजॉय जो कर रहा है वो कर रहा है हमारा पिस्टल। क्योंकि पिस्टल बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है, बॉल के साथ में खेलने में मगन हो रखा है वो, कि उसको किसी से कोई मतलब नहीं है दुनिया में, बस उसको इस क्लास रूम के अंदर इतना एंजॉय करना चाह रहा है वो कि मजा आ गया उसको बिल्कुल, कि क्लास रूम में उसको डाल दिया। इट मीन्स कि उसके लिए जन्नत, एक तरीके से जन्नत आ चुकी है और बिल्कुल शानदार तरीके से एक्साइटमेंट हमारा पिस्टल। अब हम हमारी रूबी को अंदर डालने जा रहे हैं इसके अंदर। अब इसका रिएक्शन देखते हैं कि उनके साथ में मिलकर के ये क्या रिएक्ट करती है, कंफ्यूज होती है या मजा आता है इसको। तो गाइस, चलते हैं अब इसको अंदर डालने के लिए। रूबी को भी अब हमने अंदर डाल दिया है और रूबी को देखते हैं कि वो क्या एक्टिविटी कर रही है रूबी को। और रूबी अंदर जाते ही पहले तो कंफ्यूज हो चुकी है और क्या करूं क्या ना करूं। हमारे जितने भी डॉग्स अंदर डाले हैं चारों, वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो रखे हैं और सबके सब खेल रहे हैं बहुत शानदार तरीके से। अब हम हमारे पांचवें सुल्तान को भी अंदर डालने जा रहे हैं। अब सुल्तान भी अंदर जाएगा और ये इसका देखते हैं कि ये क्या करता है उनके साथ में। आयो, अब सुल्तान को भी हमने अंदर डाल दिया है। सुल्तान को देखते हैं अंदर जाके मिर्जा बनता है कि नहीं बनता है। तो गाइस, अब सुल्तान अंदर आ चुका है, लेकिन अंदर आते ही बिल्कुल कंफ्यूज हो गया है सुल्तान कि मैं कहां आ गया हूं। बिल्कुल मतलब ऐसा लग रहा है उसको कि मैं कहां पर हूं, ऐसा लग रहा है सुल्तान को। सुल्तान भी देखो गाइस कि किस तरीके से धीरे 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 इन्वॉल्व होता है नहीं होता है इसके साथ में, और कंफ्यूजन इसका दूर रहता है नहीं रहता, कॉन्फिडेंस लेवल इसका बढ़ता है या नहीं बढ़ता है, देखते हैं। बाकी हमारा सबसे ज्यादा एक्साइटेड जो है वो पिस्टल है और सुल्तान जो है वो लिटिल बिट कंफ्यूज है, लेकिन देखते हैं इसका कंफ्यूजन दूर होता है नहीं होता है। लेकिन हमारे यहाँ पर इस क्लास रूम के अंदर ऐसा लग रहा है कि डॉग्स हमारे खाली सिर्फ अंदर पांच है, लेकिन महसूस ऐसा हो रहा है कि सैकड़ों की तादाद के अंदर यहाँ पर डॉग्स हैं। बिल्कुल ऐसा मतलब शानदार वाला अल्टीमेट वीडियो यहाँ पर जो बनने जा रहा है कि मतलब सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर हमारे पास में डॉग्स हैं। ऐसा लग रहा है कि सारे के सारे डॉग्स हाउस हो गया है यहाँ पर।
सो गाइज आपने इस वीडियो के अंदर देखा कि हमारे डॉग्स ने कितना एक्सट्रीमली परफॉर्मेंस किया है और यहाँ पर बहुत ही तगड़ा रोमांच खड़ा हो चुका था कि यहाँ पर मतलब सैकड़ों की तादाद में कुछ ही डॉग्स ऐसे लग रहे थे कि सैकड़ों की तादाद के अंदर है। तो यहाँ पर बहुत जानदार मजा आया हम लोगों को भी और इनको भी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, लेकिन कमेंट बॉक्स में आप हमें बताएं जरूर कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।